छत्तीसगढ़ की बता दें कि विधानसभा सत्र की शुरुआत होनी है, ये कितनी बड़ी चुनौती है, इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 3 दिन के इस सेशन में अलग अलग प्रक्रियाएं होंगी, मंत्री पद का शपथ ग्रहण समारोह भी होगा, राज्यपाल का अभिभाषण भी होगा। 19, 20 और 21 दिसंबर का यह 3 दिवसीय सत्र होगा। धान खरीदी को लेकर किसान चिंतित है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि जो घोषणा हम कर चुके हैं वह गारंटर है, 101% पूरी होगी। है और परंपरा आज नहीं मध्य प्रदेश के जमाने से है कि खास तौर से जो विधानसभा का स्पीकर होता है वो किसी दल विशेष का नहीं और उसकी जवाबदारी में पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक रहते हैं और विधानसभा के अंदर एक बेहतर संतुलन बनाना विकास के कामों के लिए स्पीकर की भूमिका होती। तो यहाँ पे पक्ष और विपक्ष, कांग्रेस के माननीय शरणदास महंत जी नेता प्रतिपक्ष को धन्यवाद दूंगा, भूपेश जी को धन्यवाद दूंगा कि कांग्रेस के तरफ से भी एक प्रस्ताव और समर्थक की हैसियत से उन लोगों ने एक नॉमिनेशन मेरे लिए भरा और भारतीय जनता पार्टी के सभी दल के नेता विष्णुदेव साय जी सहित वरिष्ठ नेता हमारे ब्रिजमोहन जी, अजय चंद्राकर जी, पुन्नूलाल मोहले जी, धर्म कौशिक जी और सभी साथियों ने सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव को पारित किया। तो विधानसभा के सभी सदस्यों को धन्यवाद और मेरी भूमिका भी अब एक नए दायित्व के साथ पूरे विधानसभा को साथ लेकर चलने की रहेगी, पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ में संतुलित करने की जवाबदारी रहेगी और इस विधानसभा की गरिमा को बढ़ाने के लिए एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का एक नया गुरुतर दायित्व है, उसका निर्वहन